2.6 क्वेश्चन वन, इसको हमें क्या करना होगा, 0.4 डिवाइड 2। देखिए बड़े इजी सम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। 0.4 डिवाइड 2, तो पहले हम 0.4 के बारे में बात करते हैं, इसको अपॉन 1 लिख लेंगे, इस आगे मल्टीप्लाई लगाएंगे इसको, ये मान लीजिए 2/1 होता है, इसको लिखेंगे 1/2। इसके आगे क्या होगा, देखिए नीचे एक जीरो हम यहाँ लगा देंगे, तो अभी आ गया 4/10 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 2 4 और 2 5 10, तो ये आ गया 1/5। देखिए नेक्स्ट इसी तरह से हम करेंगे, 0.35/1 लिख करके इसके आगे दो जीरो बढ़ा के पॉइंट को हटा देंगे और इसको कर लेंगे 1/5, तो 5 7 35, तो 7/100 इज द आंसर। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं 0.07, इस तरह से भी लिख सकते हैं, दो जीरो है यहाँ पर, तो यहाँ पर टू डिजिट के बाद में यहाँ पर एक जीरो लगा के पॉइंट लगा के इस तरह से भी आ सकता है ये। इसी तरह से हम इसका आंसर भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ये एक आंसर इसका ये भी हो सकता है। अब देखिए 2.48 है ये, तो 2.48 को हम क्या करेंगे, अपॉन 1 करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इसके आगे दो जीरो बढ़ा देंगे, मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 2 8, तो ये हो गया। अब 62/100 आ गया, ये 62/100 को हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको लिखेंगे, टू जीरोस की वजह से 0.62 लिख देंगे इसको हम। नेक्स्ट देखिए क्या होगा, इसको 65.4/1 लिख के एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे, मल्टीप्लाई 1/6 कर देंगे, 6 1 6 और 6 9 54। देखिए बीच में दो डिजिट हैं, ये 54 में एक साथ हमने पढ़ा, तो इसलिए यहाँ पर हमने जीरो लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 109 आ गया, ये 109/10, मतलब 10 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 10.9 इज द आंसर। नेक्स्ट आ गया 6 5 6 5 6 51.2/1 कर देंगे, तो ये जीरो लग जाएगा, मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, अब ये 4 से कट हो जाएगा, 4 1 4 2 बचे, 4 6 24, 1 बचा, तो 4 2 8 3 बचे, 4 8 32, तो दिस वन इज 16 2 8/10, मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 162.8 इज द आंसर। नेक्स्ट पे अगर हम जाएं तो 14.49/1 करके 20 यहाँ पे लगाएंगे, मल्टीप्लाई 1/7, तो 7 2 7 7 49, ये आ गया 207/100। देखिए ये जीरो क्यों लगाया मैंने, क्योंकि दो डिजिट में एक साथ पढ़ लिया, तो 2.07 इज द आंसर। नेक्स्ट आ गया 3.96/100 लगा करके 2 यहाँ पे इसको कट कर देंगे, 1/4, 4 9 36 और फिर 4 9 36। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 99/100, मतलब 0.99 इज द आंसर। जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 0.80/1, तो यहाँ पर 20 लगा के इसे कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, मल्टीप्लाई 1/5। अब देखिए इसमें ये आ गया कि अगर हम इसे जीरो को कट नहीं करते, मान लीजिए देखिए ये तो पॉइंट तो उड़ ही गया इसका, इसे जीरो को भी हम कट नहीं करेंगे, तो इसमें ये आसानी हो जाएगी, 5 से कट कर लेंगे, 5 1 5 और 5 6 30, तो ये आ गया 16/100, मतलब 0.16 इज द आंसर। अब देखिए इसके बाद में ये आ जाता है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एज द फाइंड, तो हम इसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल इजी सम होते हैं ये। इसके अंदर ये करना होता है कि 4.8 है अपॉन 10 है, तो इसे 10 की वजह से पॉइंट को हम 1 प्लेस इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 0.48। इसमें भी पॉइंट को उठा के यहाँ लाएंगे तो 5.25 आ जाएगा डायरेक्ट, देखिए इसके आंसर लिखते चले जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा 0.7। देखिए पॉइंट को उठा के हम यहाँ ले आए तो 0.07।
अब देखिए 33 इसका हो जाएगा 3.31, इसका हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 27.223 आंसर। अब इसको देखिए, इसका आ जाएगा 0.056 इज द आंसर, यहाँ पे आ जाएगा 0.397 इज द आंसर। देखिए ये आपने क्वेश्चन 1 और 2 देख लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।